यूथ यूटिल वेलफेयर एसोसिएशन युवा इंडिया द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षार्थियों के प्रमाण पत्र एवं सम्मान समारोह का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि 26वीं वाहिनी पीएसी के सेना नायक शलभ माथुर के अलावा हरिप्रसाद सिंह, कनक त्रिपाठी, संस्था के अध्यक्ष रत्नेश तिवारी, चेतना पांडे सहित अन्य अतिथि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों द्वारा असहाय गरीब लड़कियों व महिलाओं के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान 26वीं वाहिनी पीएसी के सेना नायक शलभ माथुर का मथुरा जनपद का एसएसपी बनाए जाने पर आयोजकों द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि शलभ माथुर ने कहा कि महिलाओं को प्रशिक्षण देकर संस्था ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास किया है, इससे निश्चित ही महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्था के अध्यक्ष रत्नेश तिवारी एवं 26वीं वाहिनी के सेना नायक शलभ माथुर ने कहा, नहीं होगा। बात तो तब बने जब खुद जवाब बन जाओ, बात तो तब बने जब खुद जवाब बन जाओ। महज सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा, महज सवाल उठाने को कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आया तो बहुत सारी चीजें ध्यान में आई। सबसे पहले मैं आपकी पूरी संस्था को, यहाँ के अभिभावकों को और मंच पे बैठे के सामने सभी नागरिकों को दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह की एक मुहिम चलाई, इस तरह का एक प्रोग्राम आयोजित किया। जब हम लोग पढ़ाई करा करते थे, जिलों से तैयारी करी और प्रोग्राम जब अपने एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं और जब हम लोग एक सिविल सर्वेंट के रूप में चीज़ों को देखते हैं, तो तीन चीज़ें हमेशा एजुकेशन सिस्टम में नज़र आती हैं। एक है हमारी नॉलेज, जिसे हम लोग ज्ञान कह सकते हैं। दूसरी है विजडम, जिसे आप बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। और तीसरी चीज़ है वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाए जिसके कारण जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के लिए सरकार के ऊपर, रोजगार के ऊपर डिपेंडेंट हो। आप स्वयं भी अपने रोजगार के साधन ढूंढ सकें, आप स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर हो। खास तौर से ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए है, महिलाओं का समर कैंप है। हम लोग देखते हैं तो अक्सर बच्चों के स्कूल कैंप में समर कैंप होता है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह का एक प्रोग्राम महिलाओं के लिए किया है। किसी ने बहुत इस चीज को बोला है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो इस संस्था को विशेष रूप से बधाई कि उन्होंने महिलाओं को एक स्पेसिफिक ग्रुप के रूप में यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग के रूप में, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करने के रूप में ये सारे प्रोग्राम कराए हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ कि ये संस्था अपने प्रोग्राम में, अपनी योजनाओं में, अपनी टीम ऑफ थिंग्स में और आगे बढ़े, निरंतर प्रगतिशील रहे और सिर्फ गोरखपुर या उत्तर प्रदेश में
प्राप्त होने में सफल रहे। रत्नेश कुमार तिवारी, जैसे सरकार का जो भी आजकल योजना चलती है उस योजनाओं में सबसे पीछे अगर हम देखते हैं तो महिलाओं को पाते हैं, तो उन महिलाओं को प्रशिक्षित करके उनको आगे उनको स्वरोजगार बनाने का हमारा एक लक्ष्य बना हुआ है। इसके तहत हम लोग विभिन्न जगहों पे जो गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। प्रशिक्षण शिविर के द्वारा जितनी भी महिलाएँ और बच्चियाँ कला का प्रशिक्षण लेती हैं उनको एक बड़े स्टेज पे यानी विश्वविद्यालय के संवाद भवन प्रांगण में ला कर उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें आज के मुख्य अतिथि जो थे हमारे सेनानायक पीएससी के सेनानायक सलम माथुर सर थे, और साथ ही साथ लगभग 210 लड़कियों को हम लोग आज प्रशस्ति पत्र दे के आगे बढ़ाए हैं। अब तक हमारे इस प्रशिक्षण शिविर से मानक है कि जो हमारी प्रशस्ति पत्र प्रेस है उनके द्वारा प्रेक्षण में पता चला कि लगभग 33 बच्चियां अब तक स्वरोजगार से जुड़ चुकी हैं जो लगभग कुछ अच्छे पैसे बना ले रही हैं। 2016 से ये शिविर हम लगा रहे हैं जिसमें ग्रीष्मकालीन और जिस ग्रीष्मकालीन में जो बच्चियां फर्स्ट सेकंड थर्ड आती हैं उनको 6 महीने और कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख लें और अपने अगर घर पे या कहीं पे भी काम कर सके और बढ़िया पैसा बना सके। नहीं, निःशुल्क है हमारा कोई भी प्रशिक्षण शुल्क नहीं होता है। हम इवन दो हम मशीन भी उनको देते हैं, हम उनको कपड़ा भी मुहैया कराते हैं, मतलब जो सुविधा की है, अगर ब्यूटिशियन है ब्यूटिशियन का सामान भी संस्था ही प्रोवाइड करती है। जी अब तक हम लोग बसंतपुर, बर्फखाना, तुर्कमानपुर ये सब एरिया ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारा अगला टारगेट डोमिनगढ़ के गांव एरिया ही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री का जो भी महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला को स्वरोजगार बनाओ ऐसी जितने भी योजनाएं हैं उनसे जोड़ के महिलाओं को अधिक से अधिक आगे लाएंगे। ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, मैं इस संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और ख़ास तौर से इसके अंदर महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, ताकि जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को किया है और उसके बाद सभी लोगों का अभिनंदन भी किया है, उसको एक ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है और मैं संस्था को बधाई देता हूँ कि इसमें आगे और भी लोग जुड़ते रहें और अपना इनका जो एरिया ऑफ वर्क है बढ़े और इस तरीके से सामाजिक साथ में ये जो है जुड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।